हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग। तो आज मेरे पास आप सबके लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो वो अपने चैनल पे 4 मिलियन कंप्लीट कर चुके हैं और इसी के साथ बन चुके हैं इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर। तो इसी से रिलेटेड वो अपने यूट्यूब पर ये पोस्ट किए थे। तो अगली न्यूज़ है अमित बराना की तरफ से। तो अपने न्यू वीडियो का अपडेट देते हुए ये पोस्ट किए थे। तो अगली न्यूज़ आशीष चंचलानी की तरफ से। तो उनके चैनल पे एक वीडियो अपलोड हुआ था और थोड़ा देर बाद ही वो डिलीट हो गया। तो उसका एग्जैक्ट रीज़न बताते हुए वो ये पोस्ट किए थे। हाँ, मैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स डालने की कोशिश कर रहा था, वो शॉर्ट की जगह वीडियो अपलोड हो गई। मैं कोई वीडियो नहीं अपलोड कर रहा था, लास्ट ईयर की वीडियो कट करके शॉर्ट्स पे डाल रहा था, हो गई अपलोड। मार ही डालो भाई मैसेज में, वीडियो अपलोड करके डिलीट कर दिया, मार दो मुझे मार। तो भाई जो लोग सोच रहे थे कि उन्होंने। अब हम बात करने वाले हैं बाबा के ढाबा के बारे में। तो आप देखिए उनका लाइफ स्टाइल कितना चेंज हो चुका है। सबसे पहले हमारे गौरव जी सदा सुखी रहें, जहाँ भी रहें सबकी मदद करते रहें, भगवान इनकी मनोकामना पूरी करे। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि शुरुआत हो चुकी है, पहल हो चुकी है और हमें यहाँ पे नहीं रुकना है। मैं चाहता हूँ कि मैं और आप मिलके जितने भी और बाबा के ऐसे ढाबे हैं या जितने भी ऐसे स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं जिनकी हमें मदद करनी चाहिए, हम मदद करेंगे, हम हेल्प करेंगे, हम उन्हें सपोर्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनके चेहरे पे ऐसी ही मुस्कान लेके आ सके जैसे हम आपके थ्रू बाबा के ढाबे पे लेके आए। मैंने बस एक पहल की और वो पहल छोटी सी जरूर थी, लेकिन वो पहल का रिजल्ट इतना बड़ा हो जाएगा ये मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। तो थैंक यू सो वेरी मच गाइस, मैं जितना भी आपका शुक्राना करूँ ना उतना कम है। करम है उस ऊपर वाले का जिसने बाबा के ढाबे को एक नई जिंदगी दी है, इनके चेहरे पे इतनी मुस्कान वापस लेके आए हैं और सबसे अच्छी बात आप देख सकते हैं मेहनत कर रहे हैं वो अभी भी। ऐसा नहीं है कि रात को ही ओवरनाइट फेम मिल गया हो तो उन्होंने घर पे बैठ के एकदम आराम फरमाना शुरू कर दिया। दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, जैसे पहले करते थे वैसे ही सुबह 6:30 बजे आते हैं, 9 बजे तक अपना खाना तैयार करते हैं, नाश्ता बनाते हैं, उसके बाद मटर पनीर की तैयारी होती है, सब्जियों की तैयारी होती है और उसके बाद सबसे बड़ा चेंज पता क्या है आपकी बदौलत, सबसे बड़ा चेंज ये है कि पहले खाना जो बिकता ही नहीं था वो 12 घंटे में बिक जाता है। ये सिर्फ आपके प्यार की बदौलत हुआ है, प्लीज आप इसी तरीके से इनको। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।